हॉस्पिटल में तूने पी पी बीप करने वाली मशीन देखी होगी, उसको क्या कहते हैं मालूम है? उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, एंड वो जो तुमको वेव्स दिखती है ना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जब ये वेव्स फ्लैट हो जाती है तो आदमी फ्लैट हो जाता है, ये तो तुमको मालूम है। तो ये क्या होता है ईसीजी, ये एक मिनट के अंदर अंदर समझ लेते हैं। देखो यार, ईसीजी मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट तुम्हारी जो है वो दिखाता है, मतलब हार्ट तुम्हारा सही से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा जो है वो ईसीजी से पता चलता है। इसमें तीन वेव्स होती है, पी वेव, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड टी वेव। पी वेव क्या करती है कि बोथ द एट्रियम, मतलब हार्ट का जो छोटा ऊपर का पार्ट होता है, बोथ द एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको हम एट्रियल डीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है, या एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। ये मार्क करता है पी वेव, ठीक है। उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है, क्यू के बाद जो है वो क्या होता है, वेंट्रिकल्स सिस्टोल में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट करता है। और ये किससे पता चलता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पता चलता है कि वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे हैं, मतलब वेंट्रिकल्स अच्छे से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टी वेव, टी वेव क्या दिखाता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल्स का फिर से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होना, ठीक है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर कितने आते हैं, उससे तुम्हारी हार्ट बीट पता चलती है। एंड एंड ऑफ द टी वेव तुमको ये बताता है कि एंड ऑफ द सिस्टम, मैंने मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना खत्म हुआ, ठीक है। अगर ये नॉर्मल फॉर्म हर एक हेल्दी इंडिविजुअल के चलता रहता है, अगर इसमें थोड़ा सा भी बदलाव आ जाता है तो तुमको पता चल जाता है कि आदमी का हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मोस्टली इन केस ऑफ हार्ट अटैक। यहां पे एस और टी, ये जो वेव्स होती है, ये जो यहां पे वेवफॉर्म होता है वो बहुत ही ऊपर चला जाता है, इलेवेशन ऑफ द एस टी सेगमेंट से तुमको पता चलता है कि आदमी को हार्ट अटैक हुआ है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू बायोकेटा।